बीदर जिला के बसव कल्याण शहर में 12वीं सदी में विश्वगुरु महात्मा बसवेश्वर जी के द्वारा अनुभव मंडप नामक एक संस्था स्थापना की गई। उस अनुभव मंडप को विश्व का पहला पार्लियामेंट माना जाता है। जग में पहला पार्लियामेंट, आध्यात्मिक पार्लियामेंट अनुभव मंडप था। इसलिए 12वीं सदी में बसवेश्वर जी के नेतृत्व में जो क्रांति हुई, उस क्रांति में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और गुजरात, महाराष्ट्र सभी प्रांतों से और विदेशों से भी, अफगानिस्तान से भी शरण लोग यहाँ पर कल्याण में आए थे और अनुभव मंडप में भाग लिए। 770 शरण लोगों को उन्होंने निर्माण किया और 770 लोग सभी हर कौम के और जाति मत पंथ के लोगों को भी उन्होंने इष्टलिंग दीक्षा देकर एक नया धर्म का आविष्कार किया। उस धर्म को हम लिंगायत कहते हैं। लिंग को आयत करने वाले यानी निराकार, निर्गुण, निरंजन परमात्मा जिसको अल्लाह कहते हैं, परब्रह्म यहोवा कहते हैं, उसी निराकार निर्गुण परमात्मा को इष्टलिंग के रूप में पूजा करने के लिए उन्होंने आविष्कार करके इष्टलिंग दिए और उनका कार्यक्षेत्र रहा ये बसव कल्याण। इस बसव कल्याण में इन्होंने 12वीं सदी में 800 साल पहले गणा पर्व यानी सामूहिक त्यौहार उन्होंने मनाते थे। उसमें सभी जाति के लोग, सभी कौम के लोग, सभी भाषा के लोग उसमें गण पर्व में शामिल होते थे और उस 800 साल तक वो बंद रहा, क्योंकि अंतर्वर्णीय विवाह करने से, इंटरकास्ट मैरिज करवाने से अनुभव मंडप में उन अनुभव अंतर्जातीय विवाह हुआ। उस वजह से पुरोहितशाही लोगों ने, वैदिक शाही लोगों ने उनके खिलाफ भड़क कर बसवेश्वर जी को इस बसव कल्याण शहर में बिज्जा राजे के पास, उन्होंने पंत प्रधान रहे हैं, प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन उनको हद पार की शिक्षा दी गई 12वीं सदी में और कल्याण की क्रांति हुई। वर्णांतर विवाह में भाग लिए हुए हरड़ैया और शीलवंता मधुवर्ष को हाथी के पैर को बांधकर खींचने की जड़ेहूटी शिक्षा दी गई और शरणों को यहाँ से मार मार कर भगाया गया, क्योंकि समानता स्थापन करने के लिए उन्होंने वर्णांतर विवाह किया। शरणों के साथ बहुत अन्याय हुआ और 800 साल तक वो क्रांति आगे नहीं गया, लेकिन 800 साल के बाद परम पूज्य विश्व के प्रप्रथम महिला जगत गुरु परम पूज्य डॉक्टर माते महादेवी जी के नेतृत्व में यहाँ पर फिर जगह लेकर बसवधर्म पीठ संस्था की ओर से, ट्रस्ट की ओर से 20 एकड़ जगह लेकर 160 फुट की यहाँ बसवेश्वर की मूर्ति स्थापित की गई और 2002 से यह कल्याण पर्व का उत्सव, यह त्यौहार यहाँ मनाया जाता है और 18 कल्याण पर्व अभी तक बहुत ही यशस्वी पैमाने पर ये समावेश हुए हैं और ये 19वां कल्याण पर्व है, 19th कल्याण पर्व है। इस कल्याण पर्व 30 और 31 तारीख को, इसी महीने का आने वाला 30 और 31 शुक्रवार और शनिवार को दो दिन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम आज कोविड-19 के अंतर्गत यानी कोरोना वायरस के वजह से इस बार हम बहुत ही सिंपल सरल रूप से हम इस कल्याण पर्व मना रहे हैं और कंडीशन के तौर पर जो जिला शासन है, सरकार के जो कंडीशंस है उसको हम ओबे करके उनके हिसाब से हम सरल रूप से मना रहे हैं और 100 लोगों के लिए उन्होंने परमिशन दिया है। हम स्टेज के ऊपर और सभा मंडप पे 100 लोग रहेंगे, बाकी जितने भी लोग वो दर्शन के लिए, बसवेश्वर जी के मूर्ति देखने के लिए, दर्शन के लिए आते हैं, उन लोगों को हम मना नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम भोजन की व्यवस्था किए हैं कल्याण पर्व उत्सव समिति की ओर से और दो दिन कार्यक्रम रहता है। 30 तारीख को सवेरे बसवेश्वर जी की पूजा और उद्घाटन समारोह रहेगा और शाम को राष्ट्रीय बसवदल और लिंगायत धर्म महासभा का समावेश होता है, अधिवेशन होता है। और दूसरा दिन 770 शरण लोग थे जो अनुभव मंडप में थे, अल्लम प्रभु, अक्कमा देवी, चन्नबसवण्ण, अक्कनागम्मा, मडिवाळ माचिदेवरु, हरळय्य, अंबिगर चौड़य्य, मादर चन्नय्य, ऐसे 770 शरणों का जो नाम है उनको वंदन करने का शरण वंदन कार्यक्रम 31 तारीख को मॉर्निंग में है, सुप्रभात समय में हम 7:30 बजे सवेरे करते हैं। उसके बाद परश कट्टा से ज्योति लेकर यहाँ पर आने के बाद शून्यपीठ का आरोहण होता है। यह अल्लम प्रभु शून्यपीठ है,
पीठरण होने के बाद हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। दो दिन का यह कार्यक्रम है, सभी को हम स्वागत करते हैं और उसके साथ कोरोना के जो शासन के ओर से नियम हैं उनको हम पालन करके और मास्क कंपलसरी पहनकर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके सैनिटाइजरिंग सभी हमारे कैंपस के 30 एकड़ ज़मीन में पूरा हर एक कमरे में सैनिटाइजरिंग कर रहे हैं। और हम जिसको जिनको स्कार्फ नहीं है, जिनके पास मास्क नहीं है, उनको हम हमारे मठ के ओर से संस्था की ओर से मास्क भी दे रहे हैं और सैनिटाइजरिंग कर रहे हैं। सैनिटाइजिंग हमारे तरफ से हम कर रहे हैं और सबको मास्क भी दे रहे हैं। नियम पालन करके हम सरल रूप से आचरण करेंगे कल्याण पर्व को। सभी को हम स्वागत करते हैं और आपका भी जो प्रोसेशन होता है किला से हर साल, इस बार हम उसका ये कैंसिल किया है क्योंकि कोविड के वर्ष तहत हम उसको नहीं कर रहे हैं। अभी इस बार कैंसिलेशन किया है, सिर्फ हमारे आश्रम में ही कार्यक्रम दो दिन का रहता है। तीन दिन का रहता था, अभी दो बार कर रहे हैं। हाँ, दो दिन कर रहे हैं, इसलिए तीसरा दिन हमारा कुछ कार्यक्रम नहीं रहता था। प्रोसेशन आते थे किला से यहाँ तक, प्रोसेशन कैंसिल किया है ना, इसलिए हम दो दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं। तीसरा दिन सिर्फ हमारा प्रोसेशन रहता था। अभी परश कट्टा को जाकर कुछ लोग, चंद लोग हमारे कारों में लेकर जाकर वहाँ ज्योति लाएंगे और पीठारण करेंगे। प्रोसेशन पथ संचल नहीं रहेगा, इसलिए हम दो ही दिन हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कोई स्पेशल गेस्ट वगैरह आ रहे हैं? गेस्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मिनिस्टर प्रभु चौहान जी उद्घाटन के लिए आ रहे हैं, तो उनका सम्मति है। तो ये बहुत सारे गेस्ट हैं, लेकिन वो ऑनलाइन कार्यक्रम भी कर रहे हैं। गूगल मीट में उनको लिंक भेज के वहीं से वो संदेश दे सकते हैं। यदि गेस्ट भी नहीं आए तो मोबाइल में उन्होंने हमारे संदेश याद भेज सकते हैं। LED का हम इंतजाम किया है, 6 LED हमारे कैंपस में रहेगा। जिधर भी भोजन करते समय वहाँ देख सकते हैं, यहाँ हॉल में देख सकते हैं, 6 LED का हमने प्रबंध किया है। तो वहीं से भी ऑनलाइन पे वो संदेश दे सकते हैं और भाषण भी दे सकते हैं। यहाँ के जो बैठे हुए रहते हैं इसमें सभा मंडप में, वो लोग यहीं से सुन सकते हैं, चाहे कहीं भी इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी वो संदेश दे सकते हैं, उसका प्रबंध हम कर रहे हैं।